बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियल डेकोर आइडियाज़। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जो क्राफ्ट आइडियाज़ लेकर आई हूँ, ये बीडेड ज्वेलरी क्राफ्ट आइडियाज़ हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। ज्वेलरी तो तकरीबन हर लड़की हर औरत पहनना पसंद करती है और ये ऐसी ज्वेलरी है जो कि लाइट वेट भी है और इजीली आप बना भी सकते हैं अपने हर ड्रेसेस के साथ, मैचिंग के साथ। ख़ास तौर पर जिन्हें मैचिंग का शौक़ होता है उनके लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ हैं। आप अपनी ज्वेलरी बनाना चाहते हैं, ईयर रिंग, नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग, आप तमाम चीज़ें इन बीड्स की मदद से बना सकते हैं। मैं आगे वीडियो में इसके बनाने का तरीका भी आपको दिखाऊंगी। सिंपल टेक्निक्स हैं, अगर आप सुई का काम जानते हैं, नहीं भी जानते तो आप अगर कोशिश करेंगे तो ये आप इजीली बना सकते हैं। ये जो बालियों की बेस है ये इजीली सिंपल बाज़ार से मिल भी जाती है, लेकिन आप चाहें तो सिल्वर वायर की या गोल्डन वायर की मदद से भी बना सकती हैं। और इसमें कलरफुल बीड्स आप अपने ड्रेस मैचिंग के साथ इयररिंग्स बनाएं, नेकलेस बनाएं, बहुत खूबसूरत स्टाइलिश ज्वेलरी है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ती और इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत बीड्स, कलरफुल बीड्स को आप अगर मैचिंग के साथ बनाएंगे तो बहुत हसीन और यूनिक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग लगेगी। इसमें ज़्यादातर ऐसा धागा इस्तेमाल किया जाता है जो कि मजबूत भी हो, पॉलिएस्टर थ्रेड यूज़ किया जा सकता है और प्लास्टिक वायर भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं। वो ख़ासतौर पर होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें जो बनाते हैं उसमें प्लास्टिक वायर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसमें ऐसे धागे का इस्तेमाल करें जो कि बहुत मजबूत भी हो ताकि आपकी ज्वेलरी पायदार बने। इन पिक्स की मदद से आपको इनके टेक्निक का अंदाज़ा हो गया होगा धागे की। फ्रेंड्स, इसमें जो नीडल यूज़ की जाती है ये मोतियों के लिए अलग से मिलती है। आप जब मोतियों जब नीडल लेने चाहें तो आप ये ज़रूर कहें कि जो बीड्स वाली निडल है वो आप लेकर आएं, और क्योंकि वो बारीक से बारीक बीड्स में चली जाती है। आप जिस अगर बारीक बीड्स की ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो आप बारीक निडल का इस्तेमाल करें, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत टेक्निक्स के साथ ये बालियाँ बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई हैं, आप इजीली बना सकती हैं। ये देखें, ये तमाम ज्वेलरी लॉन ड्रेसेस के साथ बहुत खूबसूरत लगती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।